वेलकम टू ममताज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजरात की मोस्ट फेमस डिश लीलवा कचोरी, जो खास तौर पर विंटर में बनती है, क्योंकि जो हमने इसमें फ्रेश तुअर के दाने यूज़ किए हैं वो विंटर में अच्छे मिलते हैं। तो ये नाश्ते में आप सर्व कर सकते हैं और डिनर या लंच में साइड डिश के तौर पर भी आप सर्व कर सकते हैं। तो बनाते हैं एकदम टेस्टी टेस्टी लीलवा कचोरी। लीलवा कचौड़ी के लिए हमने फ्रेश तुअर के दाने लिए हैं। जो हम अरहर की दाल बनाते हैं वो फ्रेश दाने मिलते हैं, ये हम लेंगे। ये 500 ग्राम लिए हैं हमने। साथ में ग्रीन गार्लिक लिया है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है, डेसिकेटेड कोकोनट और बेसन भुना हुआ है। जो बेसन होता है हमारा उसे रोस्ट कर लेना है ड्राई। शुगर ली है, लेमन जूस है, तिल है और गरम मसाला है। सॉल्ट ऑयल वो हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। और उसके आउटर लेयर के लिए हमने मैदा लिया है, 2.5 कप हमने मैदा ले लिया है। सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे कचौरी के आउटर लेयर के लिए। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और मोइन के लिए हम 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। समोसे का लगाते हैं आटा, वैसा ही हमें इसका भी आटा लगाना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल के अंदर आटा लगा लेना है। तो ये आटा हमारा लग चुका है और इसे हम ढककर रहने देंगे। तब तक हम हमारा ये जो कचौड़ी वाला फिलिंग है वो बना देंगे। तो इसके लिए हमने एक चॉपर ले लिया है इलेक्ट्रिक, आप फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा ये हम डालेंगे तुअर के दाने, एक साथ मत डालिएगा। तो इसे हमें क्रश कर लेना है। तो ये हमारा पीस चुका है, देख सकते हैं दरदरा हमारे ये होना चाहिए, एकदम फाइन नहीं करना है। आप मिक्सर में करेंगे तो क्या है कि फाइन हो जाएगा एकदम। तो मिक्सर में करें तो आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा दरदरा रहे, ऐसा हमें ग्राइंड करना है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जो बाकी के दाने हैं वो भी हम इसमें पीस लेंगे। तो ये दूसरे दाने भी हमारे पीस चुके हैं, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये सारे दाने हमारे पीस चुके हैं। अब ये जो हमने हरी मिर्च और हरा लहसुन और हरा धनिया लिया है, इसे हमें एकदम क्रश करना है। तो इसके लिए भी हम इसी के अंदर ये सब तोड़ के डाल देंगे। तो हमने ये 4 बड़ी वाली मिर्चें डाल दी है। मिर्चें आप अपने हिसाब से, जितना आप स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से आप डालिएगा। अब ये ग्रीन गार्लिक भी ऐसे तोड़ के हम डाल देंगे और ये हरा धनिया भी डाल देंगे। इसमें ज़्यादा सूखे मसाले नहीं पड़ते, तो इसे हमें टेस्ट इसी से आएगा। इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये भी हमारा अच्छे से मसाला, जो ग्रीन गार्लिक लिया है, हरी मिर्च और फ्रेश कोरिएंडर, वो भी पीस चुका है। तो ये दाने पीसकर हमारे रेडी है और सब हरा मसाला भी हमारा पीसकर रेडी है। तो हम इसका फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर हमने एक वोक रख दिया है, उसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और जो हमने फ्रेश तुअर के दाने पीस कर रखे हैं वो डाल देंगे अंदर। तो इसे हमें अब मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही धीरे धीरे चलाते पकाना है इसे। और नमक हम अभी डाल देंगे स्वाद के अनुसार।
फ्रेंड्स, लीलवा की कचौरी गुजरात की एकदम फेमस डिश है। तो विंटर में ये डिश हर घर में बनती है, क्योंकि विंटर में ही ये जो हमने हरे तुवेर के दाने लिए हैं वो मिलते हैं और अच्छे भी आते हैं तब। तो विंटर में खास गुजरात में ये कचौरी बनती है और टेस्ट में एकदम बढ़िया लगती है। हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च हमने क्रश करके रखी थी, वो इसमें डाल देनी है अब, और अच्छे से मिक्स करके इसे 30 सेकंड तक ही हमें पकाना है, गार्लिक का कच्चापन दूर हो जाए इतना ही। और हम बाकी के मसाले भी अब कर देंगे इसमें। तो 2 टेबलस्पून तिल डाल देंगे इसमें, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1.5 टेबलस्पून शुगर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, वो हम 3 टेबलस्पून डाल देंगे। और सब इसे मिक्स कर लेना है। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हमने जो भुना हुआ बेसन लिया है वो भी हम 2 टेबलस्पून डाल देंगे, 2 या 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है और ये हमारा फिलिंग कचौड़ी का एकदम तैयार हो गया है। तो ये मिश्रण हमारा एक बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा हमें इसे ठंडा होने देना है। तो ये ठंडा होता है तब तक हम हमारा जो ये आटा है वो ले लेंगे। ये हमारा एकदम सेट हो गया है आटा, तो इसके एकदम छोटे छोटे हम पूरिया जैसे गुल्ले बनाएंगे। एक बार इसे मसल लेते हैं और एकदम ऐसे छोटे छोटे हम बॉल्स बना देंगे, जैसे हम पूड़ियाँ के लिए बनाते हैं, और इसे सब तैयार कर लेंगे। तो ये सारे गोले हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसे छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसा बेल लेना है। एकदम पतला भी नहीं करना है और एकदम मोटा भी नहीं रखना है हमें इसे। तो इतनी साइज का बनाकर हम इसमें जो हमने ये फिलिंग बनाया है वो अंदर ऐसे डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे, कहीं से भी खुल ना जाए फ्राई करते वक्त। ऐसे हमें पैक कर देना है इसे इस तरह। एकदम सील कर दे इसे। तो ये हमारी कचौड़ी तैयार हो गई है गोल। इसी तरह हम दूसरी कचौड़ियां भी बना लेते हैं। तो ये हम गोल कचौड़ियां बना रहे हैं। आप गुजिया के जैसे भी इसे बना सकते हैं, जो हम मीठे वाले गुजिया बनाते हैं, तो उसी तरह सेम आप गुजिया के शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो उसे भी इस तरह रख के जो गुजिया हम बनाते हैं उस तरह सील कर दीजिए। तो दोनों रीच से आप कचौड़ी बना सकते हैं ऐसे। और जो गुजिया के लिए हम ऐसे ही बनाते हैं डिज़ाइन, वैसे ही आप कर दीजिए। तो ये भी दिखने में भी अच्छा लगेगा और वैरायटी भी हो जाएगी। तो इस तरह भी आप कचौड़ियाँ बना सकते हैं। तो ये सारी कचौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई है। आधी हमने गोल बनाई है और आधी हमने जो गुजिया के शेप में बताई थी वो बनाई है। अब हमें इसे फ्राई कर लेना है। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और गर्म भी हो गया है, तो हम इसमें कचौड़ियाँ डाल देंगे एक एक कर से। फ्लेम हमें लो टू मीडियम पर ही रखनी है, एकदम हाई फ्लेम पर नहीं
फ्राई करना है हमें, लाइट गोल्डन ब्राउन तक हमें इसे फ्राई करना है। तो ये लाइट ब्राउन कलर की हमारी कचौड़ियाँ एकदम तैयार हो गई है और हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, सारी कचौड़ियाँ हमारी फ्राई होके तैयार हो गई है, तो हम इसे सर्व कर देते हैं। तो इसे हम अभी टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। ये कचौड़ी बिना किसी चटनी और सॉस के भी, चाय के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, गर्मा गर्म एकदम टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप इसका ग्रीन कलर भी अच्छे से देख सकते हैं, एकदम अच्छा ग्रीन कलर आ गया है हमारा कचौड़ी का। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी गुजरात की एकदम फेमस और एकदम टेस्टी लीलवा कचौड़ी।